शुरू करते हैं हम पेज मेकर से संबंधित टूल्स की जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगले टूल के बारे में। इस टूल को हम लाइन टूल कहते हैं। लाइन टूल का क्या इस्तेमाल है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। दोस्तों, लाइन टूल के द्वारा जो है हम पेज मेकर के पेज पर कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। लाइन के द्वारा आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। आप लाइन टूल को लीजिए, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके जो है उसे आप लेफ्ट बटन प्रेस रख करके आप जहाँ भी ले जाएंगे वहाँ पर ले जाकर जहाँ छोड़ना चाहते हैं वहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं। और फिर आप जब जिस जगह से चाहते हैं वहाँ पर आप फिर से क्लिक करके और उनको आपस में आप जोड़ सकते हैं। जो चीज़ें आप बनाना चाहते हैं उनको आप पेज मेकर पे बना सकते हैं। पेज मेकर पे जो है आप आपस में लाइंस को आप जोड़ करके और जो कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन टूल के द्वारा हम ड्राइंग आसानी से कर सकते हैं इसमें। अब जैसे कि मान लीजिए ये अलग अलग हैं पूरा, हमने लाइन टूल के द्वारा बना तो दिया लेकिन ये सब अलग अलग हैं। जूम कर ले रहा हूँ, जूम टूल सबसे नीचे आपको मिलेगा। जूम टूल जूम करके अगर आप चाहते हैं कि इनको आपस में आप सटा देना चाहते हैं तो आप जूम कर लीजिए, ये सट जाएंगे। ठीक है, अब आप जूम कर चुके हैं, फिर से छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल और जीरो बटन आप प्रेस करिए। कंट्रोल जीरो से फिट इन विंडो हो जाएगा। ये देखिए आपके विंडो में हो, विंडो मतलब आपके स्क्रीन पर विंडो साइज में दिखने लगेगा। अब आप बना लिए हैं, हालांकि अलग अलग लाइनिंग है, अगर इसे आप ग्रुप करना चाहते हैं सबको जो है मूव टूल आप लिए ही हैं, आप एक साथ इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। आपस में सब के सब सेलेक्ट हो चुके हैं और जा करके इसे आप ग्रुप कर सकते हैं। आप ग्रुप करने के लिए आपको जाना होगा एलिमेंट मेन्यू में। एलिमेंट मेन्यू में ग्रुप ऑप्शन दिख रहा है, आप जब ग्रुप कर देंगे तो कोई भी लाइन अलग अलग नहीं रहेगा, सब आपस में जुड़ चुका है। आप ग्रुप कर लेंगे तो लाइन अलग अलग रहेंगे नहीं, आप इसे अगर छोटा करेंगे सब एक ही साथ छोटा होगा। आप जिस तरह से चाहते हैं आप छोटा करना चाहते हैं कर लेंगे एक ही साथ। तो ये है लाइन टूल। लाइन टूल की मदद से हम जो है अगर कोई ड्राइंग चाहते हैं तो हम ड्राइंग बना सकते हैं। हम अगर कुछ चाहते हैं बनाना तो हम बना सकते हैं। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, और इनको आप ग्रुप भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये रहा आपका लाइन टूल। उम्मीद है लाइन टूल के बारे में आप समझे होंगे। धन्यवाद।